बिहार में बाढ़ का कहर कायम है। खगड़िया में भी सैलाब इन दिनों कहर ढा रहा है। पहले तो बाढ़ पानी खेत खलियान और घरों में घुसा, अब गाँव की प्रमुख सड़कों पर भी बाढ़ का पानी बह रहा है। पानी के दबाव से चौथम प्रखंड के सहरौवा गांव का ग्रामीण सड़क टूटकर दो हिस्सों में हो गया है, जिससे कई गांवों का आना जाना रुक गया है। जिले के कुछ 7 प्रखंडों के 88 गांव के करीब 78,000 आबादी फिलहाल बाढ़ से प्रभावित है। सैकड़ों परिवार अब भी अपने घरों की छत पर या होकर घरों में ही रह रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही है और जो भी है वो नाकाफी है। और यहाँ अभी तक 10 दिन से बाढ़ का विकराल रूप है। अभी तक जो लोग घर से विस्थापित हो गए हैं उनको सूखा राहत भी नहीं मिला है। गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर है। पर्याप्त मात्रा में इन लोगों को नाव नहीं दिया गया है। जो नाव दी गई है वो बहुत छोटी नाव है, कभी भी उस नाव से हादसा हो सकता है। कहने का मतलब है कि सरकार के तौर पर यहाँ कोई सुविधा नहीं है। जो हमारे BDO हैं, CO हैं और जो जिला पदाधिकारी और ADM है, आपदा के प्रभारी हैं, ये सड़क पर भ्रमण करके सरकार को सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि वो लगातार जलमग्न जगहों का दौरा कर रहे हैं और बाढ़ पीड़ितों की सूची बनाई जा रही है। बाढ़ की स्थिति मुख्यतः हम लोग के यहाँ 7 में से 6 प्रखंड तो डायरेक्टली प्रभावित है और एक प्रखंड पर्वता है जहाँ पर अभी खेत में पानी पहुँचा, अभी गाँव तक पानी नहीं पहुँचा है। मैंने स्वयं भी बागमती और कोसी नदी में एंड टू एंड निरीक्षण किया है तटबंधों का, और साथ ही साथ जो बीच में ऐसे कई गांव और टोले हैं जो पानी से घिरे हैं वहाँ के लोगों से भी बात की और निर्देश दिया है कि वैसे वार्ड जो पूरी तरीके से प्रभावित हैं वहाँ उच्चीकरण का कार्य भी चल रहा है। साथ ही साथ 3 जगह पर सामुदायिक किचन हमारा चल रहा है, 1 जगह शिविर चल रहा है। दरभंगा का हाल खगड़िया सा नहीं है। कुशेश्वर स्थान में कमर तक पानी में लोग आने जाने को मजबूर हैं। पीने के पानी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला चापा कल तक डूब चुके हैं। यहाँ भी लोगों का कहना है कि वो पानी में रहने को मजबूर हैं। सरकार से कोई मदद नहीं है। कल भी डूब गए हैं, इसके बाद घर में पानी डूब चुका है, वहाँ रहने की जगह नहीं है। हम लोग पानी में वर्तमान अभी खड़ा है। हमको यहाँ कोई चीज़ की व्यवस्था सरकार अभी तक कुछ नहीं किए है। सरकार की व्यवस्था यहाँ बौनी साबित होती दिख रही है। लोगों की जिंदगी यहाँ नाव पर ही सवार है, जिसमें क्षमता से ज्यादा लोग सवार होकर आते जाते नजर आते हैं, जो एक बड़ा खतरा है। केवट गावा पंचायत जो जाते हैं उसमें जाने के क्रम में हम लोगों को यातायात की बहुत असुविधा है, बहुत कष्ट है। फिर भी लोगों को मात्र एक साधन कुशेश्वर स्थान यानी बाजार है, जाना तो पड़ता ही है। और जिसके दरमियान हमारे गाँव में सिर्फ बोट ही साधन है और नाव साधन, दूसरा साधन नाव है। बिहार में बाढ़ से अब तक 10 से ज्यादा जिले प्रभावित हैं। लाखों लोग बाढ़ से त्रस्त हैं। भले ही इस साल मौत का आंकड़ा कम नजर आ रहा है, लेकिन बाढ़ से जो नुकसान हुआ है वो कहीं ज्यादा है। खगड़िया से स्वतंत्रता कुमार सिंह, दरभंगा से प्रहलाद कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।